नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट को लेकर एक बार फिर खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही इन नोटों को चलन से बाहर कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि मार्च के बाद RBI सभी पुराने नोटों को चलन से बाहर कर सकती है। PIB फैक्ट चेक में ये खबर फेक साबित हुई है। #PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट कर कहा कि ये दावा फर्जी है, RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। RBI ने भी स्पष्ट किया है कि 100, 10 और 5 रुपए सभी पुराने नोट वैध हैं और वो चलन में बने रहेंगे। इन्हें चलन से हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बता दें कि PIB भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। PIB ने सलाह दी है कि कोरोना संकट की घड़ी में ही नहीं, देश में जब भी खराब हालात बनते हैं तब ऐसी फेक न्यूज सोशल मीडिया में प्रसारित होती है। ऐसे में सोशल मीडिया से मिली सूचना को अच्छे से परखने के बाद ही भरोसा करें। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI के प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले दिनों मंगलौर में रिजर्व बैंक के इशू डिपार्टमेंट के एक सहायक महाप्रबंधक डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उक्त अधिकारी ने कहा था कि बैंकों के पास जमा पुराने 100 रुपए के कटे फटे नोट अगले महीने वापस ले लिए जाएंगे। इसी को कुछ मीडिया ने गलत तरीके से प्रकाशित प्रसारित किया, जबकि कटे फटे या मैले हो चुके नोटों को चलन से बाहर करने की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर होता ये है कि जो नोट खराब हो जाते हैं उसे बैंक जमा कर रिजर्व बैंक के पास भेज देता है, फिर रिजर्व बैंक उन नोटों को जांच कर उसे चलन से बाहर कर देता है। इन नोटों को बाद में नष्ट कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।